और हम एंट्री कर चुके हैं बुलंद दरवाज़ा के अंदर। ये एक छोटा मोटा फोर्ट ही कह सकते हैं, बट पता नहीं इसे हम छोटा मोटा फोर्ट ही कहते हैं एक्चुअली। आप देख सकते हो ये है पूरा का पूरा कैंपस, दिल्ली की जामा मस्जिद जैसा फीलिंग आ रहा है क्या? एक्चुअली ऐसा मामला है दोस्त कि इन लोगों का क्या सीन था ना, ये लोग जो थे मुग़ल सब, उनका आर्किटेक्चर ऑलमोस्ट सेम होता था। और अकबर के आर्किटेक्चर में क्या है, थोड़ा थोड़ा राजपूत स्टाइल झलकता है। और उसका रीज़न ये है कि अकबर बहुत पॉलिटिकल आदमी था, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा पॉलिटिकल, वो फाइटर से ज़्यादा पॉलिटिशियन था। तो वो क्या करता था ना कि जानता था कि यहाँ बगल में राजस्थान है और राजपूत लोग जो हमें टक्कर देंगे, उनसे दोस्ती कर लेता था, घर में शादी कर ली, कुछ कर लिया, और उनके आर्किटेक्चर को बढ़ावा देना, उनके खान पान को बढ़ावा देना, इस तरह से करके उसने अपने स्टाइल में आर्किटेक्चर थोड़ा थोड़ा शामिल कर दिया उसमें। तो इसलिए इस कारण से ऐसा हुआ। ये जो आप सामने वाइट कलर का देख रहे हैं, ये है सलीम चिश्ती, हज़रत सलीम ख्वाजा सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह। और इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि जब अकबर दिल्ली में थे और उनकी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने दिल्ली से लेकर अजमेर तक पैदल गए और पैदल चल करके अजमेर पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे गए। वहाँ उन्होंने कोई दुआएं की, लेकिन उनको हुक्म हुआ कि तुम फतेहपुर जाओ। वो फतेहपुर फिर पैदल आए और जहाँ इनके सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दुआओं से उनको एक औलाद हुई, जिसका नाम इन्होंने रखा सलीम। और अकबर ने उसी की खुशी में यहाँ पे उन बाबा के लिए, वो मुरीद हो गए इनके सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के, उनके नाम पे अपने बेटे का नाम भी रख दिया। और फिर ये हुआ, ये मन करके तैयार हुआ। ये जो पीछे आप देख रहे हैं, इसमें कई मूवीज़ की शूटिंग हुई है, परदेश मूवीज़ की शूटिंग हुई है, और क्या बोलते हैं जोधा भाई की मूवीज़, ये सब की यहाँ पर शूटिंग हुई है। जोधा भाई का भी ताल्लुक यहीं से रहा है कि वो सलीम की माँ थी। ये बुलंद दरवाज़ा के इंटरनल हिस्सा है, यहाँ से अगर आप जाएंगे तो देखिए इस तरह का दिखता है कुछ बुलंद दरवाज़ा अपना। अब हम बाहर चल करके देखते हैं, टूर गाइड एक ले लिया है, वो बेचारा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहा है कि था, तो उनसे सुनेंगे वो और क्या बताते हैं। ये बुलंद दरवाज़ा का बाहरी हिस्सा है, यहाँ पे कुछ हैंडक्राफ्ट का आइटम सब दिखता है। दरवाज़ा की इतनी ऊंचाई है, मेरे हिसाब से कम 80 फीट तो होगा ही, 100 फीट भी हो सकता है, हाँ 80 से 100 फीट होगा। और उतनी नीचे से ऊपर की तरफ लोग, ये रहा बुलंद दरवाज़ा अपना, ये दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है, अकबर ने बनाया था। और कई जगह की जीत की खुशी में, अपने बेटे की पैदाइश की खुशी में, अपने जो मुरीद थे जो उनके लिए, पीछे भी कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह दिख रहे हैं, वो भी उसी टाइम का बना हुआ। ये हम जाएंगे तो पता करेंगे कि वो सब क्या है। और ये शहर बसा हुआ है, शहर क्या है, छोटा सा कस्बा है फतेहपुर सिकरी, ये सिकरी गांव हुआ करता था, सिकरी गांव में उन्होंने बनाया था। कैंपस के इस हिस्से में, यहाँ जो आप देख रहे हैं पश्चिमी हिस्सा, वेस्टर्न हिस्सा है, उसमें ये मस्जिद है और इसमें पाँचों वक्त की नमाज आज भी होती है। लेकिन लोग मस्जिद की बेहरमती भी खूब करते हैं, देखिए कोई मस्जिद का आदाब नहीं है, लोग घुसे हुए हैं, फ़ोटोज़ ले रहे हैं, मैं वीडियो बनाने आया हूँ। ऐसे ही चलता है, दुनिया ऐसे ही चल रही है, क्या करेंगे। मदरसा भी हुआ करता था, ये जो छोटे छोटे गेट बने हुए हैं ये सब मदरसा हुआ करता था, जिसमें बच्चे पढ़ाई करते थे। ये मस्जिद है और कितने गेट हैं, 8 गेट हैं, 6 गेट है, वो नीचे देख के चलना है, इसमें ठोकर लग सकता है। अच्छा, इसमें 6 गेट हैं और देखने में सब ऐसा लगता है कि पहला गेट बड़ा है, दूसरा छोटा, बट ऐसा नहीं है, सब एक जैसा है। और ये मस्जिद का हिस्सा है, इसी गेट की एक खूबसूरती है, कलाकृति जो बनी हुई है बड़ी शानदार लगती है देखने में। ये जगह जो है वो अकबर फोर्ट से पुराना है, अकबर फोर्ट जो अकबर ने बनवाया उससे पुराना है, शाहजहाँ ने जो बनवाया अकबर के बेटे ने, अकबर के पोते ने, उससे तो बहुत पुराना है। ये सलीम की पैदाइश पे उस वक्त बना था, कब बना था, साल क्या रहा होगा जब स्टार्ट हुआ था बनाना, 1570 में स्टार्टिंग, 1582 में कम्प्लीट। अच्छा, 12 साल लगे इसको बनाने में, और उसके कुछ दिन बाद ही अकबर यहाँ रुके नहीं, फिर वो चले गए पंजाब की लड़ाई में, गुजरात की लड़ाई में, उसके बाद वो यहाँ रुके नहीं, ज़्यादा दिन शासन नहीं किया, दोबारा फिर पानी की कमी होने की वजह से
वो वापस आगरा चले गए। आगरा में उनका फोर्ट तो था ही। ये मस्जिद का हिस्सा है। ये मुझे बहुत कम गिने चुने मस्जिद में से ऐसा लगता है जहाँ पे औरतें भी एकदम आ रही हैं, जा रही हैं, फ़ोटो खिंचा रही हैं। यूजुअली आमतौर पर ऐसा नहीं होता है और होना नहीं चाहिए। अकबर का ये मस्जिद था। अकबर यहाँ पे नमाज़ पढ़ने आता था। सामने एक गेट है, इधर से अभी हमें एंट्री हुई थी। ये जो सामने गेट है, इस गेट से ही अकबर आता था। पीछे की तरफ उसका घर था, पीछे की तरफ उत्तर साइड में उसका महल था। अकबर का पीछे जो अभी हम जाएंगे और इस गेट से वो यहाँ नमाज़ पढ़ने आता था, इस मस्जिद में। ये वो मस्जिद है। और आपको पता होगा अकबर एक नए धर्म की शुरुआत हुई थी, दीन इलाही, जिसमें वो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चन सबको मिलाने की बात करता था। वो चीज़ रिफ्लेक्ट करता है उसके इस आर्किटेक्चर में जो अभी हमको देखकर दिखा रहे हैं। ये ब्रिटिश आर्किटेक्चर, ये मुस्लिम आर्किटेक्चर है या मुगल आर्किटेक्चर जो स्पेशली मस्जिदों में होता है वो। ये जो इस कोने में है वो है क्रिश्चियन हिंदू टेम्पल के डिज़ाइन से लिया गया है। नॉर्मली मस्जिदों में आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये नॉर्मली हिंदू टेम्पल्स में होते हैं ये जगह। और जो ऊपर है वो है डॉम, डॉम यानी कि क्रिश्चियंस के चर्चेज में होते हैं। तो इस तरह से उन्होंने तीनों धर्म को मिलाने के, अपने आर्किटेक्चर के जरिए तीनों धर्म को मिलाने की जो बात सोची थी वो उसका एक रिफ्लेक्शन है यहाँ पे। ये एक फैक्ट था जो हमने सोचा आपको दिखा दिया जाए। ये बाहर से नज़ारा है जो अकबर इस्तेमाल करता था गेट का मस्जिद जाने के लिए। और इस तरफ जो लोग जा रहे हैं, इधर है महल जिसमें रहना सहना होता था। ये तो मस्जिद था ना जिसमें भी हम थे, वो मस्जिद था लेकिन रहना सहना जो होता था, दीवाने आम, दीवाने खास और अकबर का जोधाबाई का महल, ये सब जो है वो इधर अंदर। पीछे की तरफ कुछ मज़ारे हैं, उधर भी चलेंगे। और बाहर चलते थे राजा कुतरमल का महल है, टाइम मिला तो वो भी देखेंगे। तो फिर चलते हैं अंदर और देखते हैं दीवाने आम, दीवाने खास, अकबर और जोधाबाई का घर। सामने उधर हाथी मीनार दिख रहा वाइट कलर का। ये सब बैकड्रॉप का हिस्सा है। और यहाँ भी उस समय में कुछ रहा होगा, आज तो पूरा कचरा बन चुका है। लोग एकदम यहाँ पे कचरा फेंकते हैं और आकर के इसको पब्लिक टॉयलेट की तरह इस्तेमाल करते हैं। पीछे यहाँ से दिख नहीं रहा है, अगर मैं जा पाया तो दिखाऊंगा। एक है हाथी मीनार। हाथी अकबर का एक हाथी था जिसके बारे में कहते हैं कि वो बहुत ही न्यायप्रिय हाथी था। उसकी जब मौत हुई तो उसका यूज़ होता था कुचलने के लिए। किसी को सजा देनी हो, मौत की सजा देनी हो, तो वो हाथी को चढ़ा दिया करता था। और अकबर को बहुत भरोसा था उस हाथी पे। जब उसकी मौत हुई तो उसकी याद में एक मीनार बना दिया गया, हाथी मीनार। यहीं पे आगे लेफ्ट साइड में जा कर के एक घर है जिसके बारे में कहा जाता है कि सलीम की पैदाइश उसी में हुई थी। यहाँ से शानदार व्यू आ रहा है। चल के देखते हैं कि नीचे है क्या, अगर कोई मकबरा टाइप का दिख रहा है तो घर टाइप का। ये सब पूरा खंडहर बन चुका है, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई ऐसा कोई नीति और एग्जिट जैसा नहीं है। बस ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने बना करके छोड़ दिया है और वो चले गए इसको छोड़ करके, छोड़ करके। उसके बाद से इसका कोई खास रख रखाव नहीं हुआ। हाथी गेट, हाथी पोल, ये सब बना हुआ है। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, अगर आप एक्सट्रीम ट्रैवलर हैं भी इधर आएँ, और यदि आप एक्सट्रीम ट्रैवलर नहीं हैं तो इन सब जगह पे आपको मज़ा नहीं आएगा। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि मैं तो यही सब करता ही रहता हूँ, तो काइंड ऑफ प्रोफेशन फॉर मी, लेकिन आपको मज़ा नहीं आएगा। ये ख़तरनाक यहाँ पर बाइक ट्रैवलिंग के लिए, बाइक चलाने वालों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता होगा उतने ढलान पर इधर आना। इधर सामने मीनार दिख रहा है अगर आपको एक, तो उसको हाथी पोल कहते हैं। वहाँ हम चलेंगे, हाथी गेट और हाथी पोल देखेंगे। फिलहाल ये आप खंडहर देख लीजिए, इस गेट से अंदर जाने का है, उधर भी चल करके देखते हैं क्या है। यार ये फ़ोटो इतना ज़बरदस्त आ रहा है इस जगह पे। ये फोर्ट है और 99% लोग इधर आते नहीं हैं। हम लोग जो आए हैं बस वहीं हैं, एक भी टूरिस्ट नहीं है, बाकी जो लोकल लोग हैं वहीं हैं। ये फ़तेहपुर सिकरी मस्जिद, फ़तेहपुर सिकरी का जो दरवाज़ा है उसके जस्ट पीछे एकदम रास्ता है सीधा आने का, और बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, एकदम आसान है इधर आना। लेकिन 99% ऑफ द टाइम कोई नहीं आता। आप देख सकते हैं कितना शानदार नज़ारा है इस जगह का। ये फोर्ट है, इसके अंदर आर्मी रहती होगी बेस कैंप की तरह, क्योंकि जो मेन घर है वो पीछे की तरफ है राजा का। तो ऑफकोर्स प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया क्लियर। इसमें एक टैंक है बहुत बड़ा सा। पीछे जो आप ये एक मीनार देख रहे हो, इसको हाथी गेट बोलते हैं, हाथी पोल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अकबर का हाथी को दफन किया गया था। तो ये है वो नज़ारा शानदार।